से आराम से आगे थोड़ा पीछे पीछे। मैं उपेंद्र काय जी से निवेदन करूंगा, आप लोगों के सांसद जी हमारे आदरणीय मनोज भैया हैं, 14 साल दिल्ली में रहते मुझे हो गया, लेकिन पहली बार मुझे दिल्ली के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के इस क्षेत्र में आने का मौका मिला। आप लोगों के सांसद जी के बारे में मैं क्या कहूँ, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन दो तीन बातें जरूर कहूंगा। मैं बिहार के बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ और ये बिहार जहाँ से मेरे गाँव से शुरू होता है बक्सर, वहां से बिलोंग करते हैं। तो इंसान आले दर्जे का तब होता है जब ये देखा जाए कि वो बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये उसका पैमाना नहीं होता है, जब वो छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो व्यक्ति छोटे से छोटे व्यक्ति के आवाज को संज्ञान में लेता हो, जो व्यक्ति अपने से बहुत नीचे तबके के लोगों को भी गले लगाने में नहीं हिचकता हो, ऐसा व्यवहार मनोज भाई साहब का मैंने बचपन से देखा है और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और ये जो सांसद खेल महोत्सव है बहुत अच्छी शुरुआत है। कई बार कहा था कि जो शरीर से युवा होता है वही युवा नहीं होता, बेहद जरूरी है कि मन से भी युवा रहा जाए। से हुआ जाता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को और उसके बाद मैं अपनी बात यहीं पे तुरंत रोक दूंगा। इतना अद्भुत आयोजन और इतनी बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आज उमड़े हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनका साधुवाद और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। अभी सपना तो आप लोगों को मिलने आई है ना, सपना इनको बोलो कि ग्राउंड में से बाहर निकल आइए, मैच चल रहा है। आ जाओ भाई आ जाओ, प्यार प्यार से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बोले इसे इस तरफ हो जाइए, आप पीछे मैच चल रहा है, देख तो रहे हो सामने से देख रहे हो, आ जाओ, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, ठीक है, बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो हम इसी को चार करके रोक लो, पहले ये कार्यक्रम कर देते हैं फिर मैच को आगे करेंगे। नहीं, लाइट चली जाएगी, हाँ और लाइट चली जाएगी तो फिर एक देखिए, अभी मुझे पुलिस को नहीं कहना चाहिए, आप लोग खुद ही किनारे किनारे हो जाइए और मैच को चालू करें। हम जिंदगी के ऐसा हुई तो हम पौधे नहीं कर दे उठाते कि तो आओ, तो कोई बात नहीं, आप मैं सीधे सीधे सपना को माइक देता हूँ। देखो सपना चौधरी जितनी बड़ी कलाकार है उतनी अच्छी इंसान है, मैंने इसको जब ये बहुत छोटी थी तब से जानता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी हमारे क्षेत्र में कुछ होता है ये हम लोग का सम्मान करती है। आप दो शब्द लोगों से बात करो, राम राम, नमस्ते। सबसे पहले मेरे गुरु समान है, बहुत आदरणीय है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, थे और हमेशा रहेंगे मनोज तिवारी सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आमंत्रित किया, इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिखा दिए और ये बात तो देखो सर सच है, जहां भी मैं जाती हूँ बवाल हो ही जाता है, तो इसमें कोई डराया नहीं है, बुलाने से पहले ही ठीक करके चला करो, आगे से ये बात ध्यान ही रखना क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कहती है कि पैदा तो कर दी तू लेकिन आफत ही है, तो मैं आफत ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया है, जितना हमारी जिंदगी में और चीजें जरूरी है खेल भी उतना ही जरूरी है, ये मैंने खुद अपनी जिंदगी से सीखा है कि अगर आप पूरा दिन में एक घंटा खुद के लिए निकालते हो, अगर किसी को मतलब जिमिंग पसंद नहीं है, योगा पसंद नहीं है और वो खेल खेल लेता है सिर्फ पूरा दिन में एक घंटा अपने लिए निकाल के, तो वो ऐसे ही फिट एंड फाइन हमेशा रहेगा। तो जिस जिसका मन हो वो क्रिकेट खेलिए, टेनिस खेलिए,
हॉकी खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, जो आपका मन करे वो खेल लीजिए, कोई बात नहीं। आवाज जहां से जहां बुलंद होनी चाहिए पहुंच जानी चाहिए, बस जरूरी नहीं है एक तरफ के टावर वैसे उड़े। एक मात्र बात बता दो, सपना यहाँ की क्या कि 300 बेटियों ने दौड़ लगाई, 300 बेटियों ने दौड़ लगाई। और अभी कल तो एक 4 साल की बच्ची आ गई कि मुझे दौड़ना है। अब आप सबको नमस्ते कर लो, फिर अभी तुमको सोच रहे हैं आफत पे भेज दिया जाए। जी मैं चली जाऊंगी, वैसे भी अच्छी बात है, टाइम पे काम आ जाना चाहिए मुझे लगता है। मैं काम आ गई, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे वापस भेज दो, मेरे को कोई दुख नहीं है। बिकने वाले होते हैं और जिसको इतनी सारी जनता प्यार करे वो तो लुटा लुटाया बैठा है, उसको क्या करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगी और जितने भी स्टेज पर लोग हैं सभी को थैंक यू बोलूंगी। रिस्पेक्टेड हमारे पुलिस कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे गाना भी अच्छे सर, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। गाती हो मैं सारे काम A1 करती हूँ, मैं किसी भी काम में ढील नहीं छोड़ती। धन्यवाद। तेरी सही वाली सपना चौधरी आ रही है, हमने कहा बिल्कुल भाई ओरिजिनल वाली आ रही है। और ओरिजिनल मैं एक ही हूँ, एक ही थी और एक ही रहूंगी। इधर देख लो, थैंक यू सो मच सपना, आप लोगों को भी धन्यवाद। हमें मैच शो कराइए, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। पीछे ड्राइवर बच्चे सबसे पहले रोहतास नगर के कैप्टन को हार्ड लक, कोई बात नहीं, आपने पहला मैच जीता था ना? दो मैच जीते लास्ट मैच। आपने रोहतास नगर रेंजर्स ने बहुत अच्छे खेल का परिचय दिया है, जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। तो आपको कोई अफसोस तो नहीं? नहीं कोई अफसोस नहीं है, बस थोड़ा बोला बाज हमारे स्वागत ध्यान रखेंगे, अगले मैच की तैयारी करेंगे, जो टूर्नामेंट अप करेंगे उसमें जो कमी रह गई है उसको बेहतर करेंगे। हमारे विकास त्यागी जी आइए, रोहतास नगर रेंजर्स के ओनर, आपका मन इस समय क्या कह रहा है? मेरा मन तो सिर्फ ये कह रहा है जी, जो आपके द्वारा जो आयोजन चल रहा है मैं उससे इतना खुश हूँ कि जनता जनार्दन देख रही है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो आपने सबका मन यहाँ जीता है वो मेरे लिए संतुष्टि का है। हार जीत सब ठीक है। आप लोग अपने रोहतास नगर के एक एक क्रिकेटर को टच करो, आपको कैप्टन के रूप में, आपको टीम के ओनर के रूप में मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि आप हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी संपर्क करिए, किसका बच्चा कहाँ है,
अगर उसको मौका नहीं मिला तो मौका देने के लिए नरेंद्र मोदी के सिपाही मनोज तिवारी खड़े हैं आपको जिंदगी हमारे आपके साथ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विकास। अब हम तिमारपुर के कैप्टन को बुलाएंगे तो सेमीफाइनल में पहुंच गए, ऐसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, उस सारी टीम ने पहुंचाया। देखो सारी टीम ने पहुंचाया ऐसा कहा, थोड़ा माइक ये कहां गए साउंड वाले, थोड़ा इसको बढ़ाओ, अचानक बहुत वो हो गया बेटा, तुम्हारा एन वॉक पे सपना का आवाज खराब कर दिया तुमने। अभी आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? बस अब सेमीफाइनल में अच्छा खेलना, हार्दिक जो भी होगी देखा जाएगा, खेलना अच्छा जैसे अब लग के खेलना वैसे ही। वेरी गुड। और आपके ओनर कहाँ है? राजू बंसल जी। राजू बंसल जी खुश तो बड़े हो गए आज, आपका आशीर्वाद से खुशी है। तो सारे जो भी हैं वो तिमारपुर विधानसभा के बाहर का कोई लड़का नहीं इसके अंदर। और जो आपका संदेश था कि हारोगे तो सीखेंगे, तो पहली हार से बहुत कुछ सीखने को मिला, और दिन तो दिन सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। अरे बैलनुआ मत खींच रहे। बैलनुआ लेके भाग तो बेटा, बैलून केवल देखते रहो। और हमारे मोहन गोयल जी, आपका भी दिल आजकल तिमारपुर में बहुत लग रहा है ना? मेरी होम टीम में तिमारपुर रहता हूँ, इसलिए मेरा ये सब नहीं बना हुआ, लेकिन तिमारपुर से विशेष मिला। ये देखो हमारा यूके चौधरी, इधर आओ, हॉस्पिटल के ओनर डेंटिस्ट है, ये दांत के डॉक्टर है। नहीं अब तुम्हारी जब टीम हारी थी तो तुमने तो बिल्कुल दिलदार वाली स्थिति। बिल्कुल भैया, जैसे ही हमारी टीम हारी तो हम जिला अध्यक्ष जी के साथ हो गए। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है। ये जो हमारी टीम का नाम है, बुरारी बुल्स, होंडा लायंस, मुस्तफाबाद चैलेंजर्स, बाबरपुर बुलडोजर्स, गोकलपुर दबंग्स, रोहतास नगर रेंजर्स, सीलमपुर टाइगर्स, करावल नगर हीरोज, सीमापुरी स्ट्राइकर्स, तिमारपुर टाइटंस, पुलिस पैंथर्स और मीडिया मास्टर। अरे मास्टर जी आगे,